आज हम लोग हेलोरिकेन हेलोरिन के लास्ट वीडियो की तरफ आ गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सारे कंटेंट को डिस्कस कर चुके थे। अब आज इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे होगा, जैसे लगा हमें कि ये समझाना इस तरीके से ज्यादा आसान होगा, इसलिए पहले उस क्वेश्चन को हम नोट किए। एक्सरसाइज 10.22 व्हाट हैपेंस टाइप क्वेश्चन है, यानी इसमें जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे उसी रिएक्शन से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी होता है, उसी रिएक्शन से कन्वर्सन रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, और उसी से व्हाट हैपेंस टाइप का भी क्वेश्चन होता है। जैसे एक्सरसाइज का 10.22 व्हाट हैपेंस टाइप क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मल का मतलब हुआ जहां स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता है, तो CH3, CH2, CH2, Cl, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। इनका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। अब जो रिएक्शन पढ़े हैं उसको आप याद कीजिए। KOH दो जगह पर आया, अगर KOH एक्वस फॉर्म में रहा तो वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ब्रोमीन या हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर OH हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड है तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसे बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस वाले से यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो तो ये फॉर्मेशन कर दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 बाई प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं। अब आप यहां चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक लाइन। जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस, तो आप आंसर में देख सकते हैं कि इलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन यानी ब्यूटीन, क्योंकि इसमें ब्यूटीन लिखने से तो यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटीन। इसके बाद सेकंड वाले पर आते हैं, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हम लोग पढ़े हैं रिएक्शन में, रिएक्शन विद मेटल, तो उसमें आया था कि अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then it result the formation of Grignard reagent। तो इसके स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा Grignard reagent will form, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5MgBr। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर, यानी कि एक्वस मीडियम में अगर एसिड के साथ हो रहा है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस, और वहां से फंक्शनल ग्रुप को हटाया जाता है। हम लोग यहाँ जो केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं वहां पर था क्लोरीन का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते, याद करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन का स्लो होता है। रीजन ये था कि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस at very high temperature and very high pressure होता है, 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure। लेकिन ना तो high pressure और ना ही high temperature का discussion यहाँ किया है, और ना ही कोई electron withdrawing group लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ इनका reaction possible नहीं है। और statement वहाँ लिखोगे because nucleophilic substitution reaction not take place in the case of halogen in normal condition, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हुआ। फोर्थ क्वेश्चन था, इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो फर्स्ट वाले में था अल्कोहलिक, तो इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, और यहां एक्वस तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एंड इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH। बायो प्रोडक्ट हम छोड़ रहे हैं। फिर है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उर्ज रिएक्शन,
मिथाइल ब्रोमाइड, तो रिएक्शन में हम लोग पढ़े कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो टू अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो मिथाइल और मिथाइल कंबाइन कर इथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे, बाय प्रोडक्ट NaBr बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl, मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl इनका रिएक्शन करा दिया KCl से, इसमें भी दो रिएक्शन था। क्वेश्चन बनाते वक्त में उससे रिलेटेड जो टर्म है वो भी दिमाग में आना चाहिए, KCl के केस में साइनाइड बनता है और AgCl के केस में आइसोसाइनाइड बनता है, इसीलिए CN को एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है क्योंकि इसमें दो दो अटैकिंग साइट है, दो दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, तो यहां पोटेशियम साइनाइड है इसलिए इस जगह पर साइनाइड का फॉर्मेशन होगा यानी CH3Cl का फॉर्मेशन। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.22, हमें लगता है कि अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, तो आप चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख ही लीजिएगा, बोले हैं बस उसी को वहां कॉपी में नोट कर देना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोर्ड पर दिख रहा है आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.14 है, क्वेश्चन था उसको हम यहाँ कॉपी कर दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका भी कई रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक में रिपीटेशन ज्यादा होता है, इसलिए स्टार्टिंग में अगर आप मेहनत किए तो बात बाकी फिर वो आसान होता चला जाएगा। अब यहां फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इनका सोडियम एलोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एसीटोन, रिएक्शन नहीं याद है तो आप अपना जो चार्ट बनाए हैं जहां बोलेंगे वहां देखोगे आप। हम लोग अल्काइल हैलाइड के केस में पढ़े थे हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और वहां पढ़े थे कि व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम एलोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन देन आयोडो एल्केन इज फॉर्म, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन को हटाकर उसकी जगह पर आयोडीन जुड़ जाएगा, तो इसके प्रोडक्ट में जहां ये क्लोरीन है इसको हटाकर आई जोड़ देना है। और एक चीज देखोगे लिखा हुआ यहां पर कि राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट, यानी कि जो बायो प्रोडक्ट बना है, जो माइनर प्रोडक्ट बना है उसे आप छोड़ भी सकते हैं, लिखेंगे तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं कट जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ दे रहे तो भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, लेकिन अगर आपके स्कूल में प्रेशर डाल देंगे नहीं बाय प्रोडक्ट भी लिखोगे तो बताया हुआ तो नहीं है, आप लिख सकते हैं उसको वहां पर, तो इनके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 CH2 आई और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। सेकेंड में अल्कोहलिक, देखो इथेनॉल KOH तो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड में इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो इलिमिनेशन रिएक्शन में तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसको प्रोडक्ट बनाने के पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म थोड़ा सा लिखो, यहां देखो समझा रहे हैं इसे CH3 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 होल थ्राइस हो गया सी और ये बी आर, फंक्शन ग्रुप जिससे लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन एटम, अब इसके साथ में ये तीन बीटा है और तीनों आइडेंटिकल नेचर का है, तो कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन हटा लो, मान लीजिए हम यहां से हाइड्रोजन हटा लिए तो देखो यहां प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां प्रोडक्ट बन गया CH3 C, यहां CH3 और इसे नीचे की जगह पर यहां भी रख सकते हैं हम, यानी कि डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल गया यहां से HBr, ये QH के साथ कंबाइन कर KBr+H2O बनाएगा, रिएक्शन याद नहीं है तो पीछे पलट करके आप नोट्स देख सकते हो, ये इस तरीके से हुआ। अब इस वाले NaOH वाटर यानी कि एक्वा सॉल्यूशन, तो जब एक्वा सॉल्यूशन है तो सिंपल हैलोजन को हटाकर उसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा, तो जहां CH है उसकी जगह पर OH जोड़ो, तो देखो यहां गया CH3 CH, ब्रैकेट की जगह हम यहां ब्रांच में कर दिया, आप चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं CH2 और CH3। यहां KCl के साथ कराते हैं तो KCl के साथ कराएंगे तो साइनाइड बनेगा, अभी रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़े थे 10.22 में भी, तो ये साइनाइड बना CH3 CH2 और ये Cl। इस कंडीशन में RONA न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप चार्ट देखिए, वहां हम लोग पढ़े थे कि RX का रिएक्शन जब RONA सोडियम अल्कोक्साइड से कराते हैं तो ये X और Na ये बाहर निकलता है,
और ये आर ओ आर यानी ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो वही पार्ट यहां भी देखो, यहां से एनए हटेगा और इस जगह से सीएल, और ये पार्ट इसके साथ में हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर इसके बाद का टॉपिक है, वहां इसके नेमिंग और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अभी सिर्फ इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। यहां ओ और जगह पर C2H5 आ गया, ईथर बाय प्रोडक्ट NaCl हो जाएगा। अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट था, इस जगह पर हम लोग पढ़े भी थे कि द रिएक्शन इज प्रीफर्ड बिकॉज द बाय प्रोडक्ट आर इन गैसेस फॉर्म एंड देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। तो यहां से क्लोरो अल्किन बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां अल्किन है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो परोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ फ्लू, ऐसे भी अनसिमेट्रिकल है, तो अगर मार्कोनिक ऑफ लगता तो CH पर जाता और एंटी मार्कोनिक ऑफ है तो CH2 पर जाएगा हेलोजन एटम। तो यहां आ गया CH3CH2CH2CH2 और ये Br। इस कंडीशन में HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई हो, यहां देखो इसके साथ वन हाइड्रोजन है लेकिन इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिक ऑफ बताता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक विद दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सी, इसके पास एक भी नहीं है तो CH के पास हाइड्रोजन जाएगा, यानी ये कंपाउंड हो गया CH3CH2। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कर देते हैं, यहां C के पास में आ गया हैलोजन यानी कि Br, क्योंकि HBr नहीं है, Cl होता है, HCl तो Cl आता, और 2CH3 है तो एक CH3 हम ऐसे कर दिए और दूसरा यहां। तो ये क्वेश्चन 10.14 ये भी कंप्लीट करा दिया। अब मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद में आप इसको कॉपी नहीं करो, खुद से बनाओ। हाँ, जहां अटक रहे हैं वहां पर पेंसिल से मार्क कर दीजिए कि यहां पे थोड़ा सा डाउट है, बनाओ आप जो गलत सही है, लेकिन जहां बना रहे हैं वहां डाउट है कि हाँ इस जगह पर हमको डाउट है, थोड़ा सा फीडबैक मिला करके वीडियो देख करके मिला लीजिए कि हाँ आप जो समझ रहे थे वो सही है या फिर नहीं है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। यहां तो कॉम्पिटिशन है, आपको हर वो काम करना होगा जो आपके कंपटीटर छोड़ दे रहे हैं या उनसे वो नहीं हो पा रहा है, तभी तो आप उनसे आगे निकलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10.14 ये हो गया, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10.21 पर। इस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ है। अभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन नजर आएगा जो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देखकर स्टूडेंट छोड़ देता है, वो देखता है कि वाह इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं बनेगा, अब उसको आप छोड़ दीजिए। पढ़िए, रिपीट कीजिए, क्योंकि जहां बाकी के वन क्वेश्चन में वन मार्क्स मिल रहा है, इस वन क्वेश्चन में आपका 3-4 मार्क्स मिलेगा। ए बी सी डी इस तरीके से करके दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में पता है, आपके लिए आसान हो गया कि अभी तक एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो स्टेटमेंट बेस्ड एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इस तरीके का करीब 5-6 क्वेश्चन ही है जिसमें से कोई एक दे देता है और आसान हो गया। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं तो वहां से भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन जो आ जाएगा मेरा, क्योंकि वही रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाता है। डिफिकल्टी लेवल का 10-15% क्वेश्चन होता है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो पैरामीटर बनाया गया उसके अनुसार से 10-15% क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का होता है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टूडेंट में थिंकिंग एबिलिटी है या नहीं है, यानी कि कुछ एक क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वहां ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए 70% के करीब का क्वेश्चन जो एवरेज लेवल का होता है, डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन जनरली जो क्रिएट किया जाता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से होता है, न्यूमेरिकल में डाटा पढ़ा दिया, कैलकुलेशन पढ़ा दिया, वहां पढ़ गया, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जनरली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है,
एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, उसके हर एक क्वेश्चन का देखिए, आप जो आपसे आंसर भी बनाया आपके अब सारे साइड बुक में आंसर दिया जाता है। आपको एक सैंपल पेपर खरीदिए, अब तो जरूरी है किसी भी पब्लिकेशन का, आप टुगेदर विथ भी खरीद सकते हो, अरिहंत का भी आता है उसका भी ले सकते हैं, एशियान का भी आता है, अगर आप दो तीन दोस्त मिलकर के पढ़ते हैं तो अलग अलग पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, कोई एक, कोई ये नहीं कि हाँ हम यही खरीदेंगे, क्योंकि आपको मतलब है कि हमें बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन पता चले। आप थोड़ा सा सैंपल पेपर पलट करके देख लीजिए, देखिए कि उसमें प्रीवियस ईयर का, उसके पहले का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कुछ एक का जो आप आंसर आपको पता है उसके आंसर को उसके आंसर से मिला करके देखिए कि आप जो पढ़े हैं उससे आंसर डिफर कर रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो एक दो जो आप आंसर जानते हैं, क्वेश्चन आपको दिखा उसका आंसर जब आप पढ़ेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो किसी एक पब्लिकेशन का आप रखो क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ होना चाहिए ताकि आप घर में प्रैक्टिस कर सके, और फिर वहां से आप देखोगे तो क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उससे बनाइए। यहाँ आते हैं इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखो कैसे सेपरेट करेंगे, जो ध्यान से देखना, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को रिपीट करके भी आप देखना। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9BrA यानी C4H9Br, ये है कंपाउंड ए, और इसके बारे में दे दिया कि ये प्राइमरी नेचर का है, वन डिग्री है, एक एक इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा। तो प्राइमरी है इसका मतलब ये कि हैलोजन टर्मिनल पर लगा हुआ है, वो ब्रांच में नहीं जाएगा। आगे रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH यानी इनका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी इलिमिनेशन रिएक्शन होगा अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी, तो इससे कंपाउंड बी का फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, जब इस बी का रिएक्शन कराते हैं हम लोग HBr से, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये सी का फॉर्मेशन करता है, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। यहां जो इंफॉर्मेशन मिला उसको अलग कर लेते हैं, सी क्या है आइसोमर, किसका आइसोमर है ए का, इस ए का आइसोमर है। आगे When A is reacted with sodium metal, it give compound D. जब इस A को react कराते हैं sodium metal के साथ में, it give compound D. यानी कि उच्च रिएक्शन हो गए। C8H18, इनका molecular formula दिया हुआ है C8H18, which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted. लेकिन ये उस कंपाउंड से डिफर करता है जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनता है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उससे ये अलग होता है। आगे गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। अब देखो क्या क्या पता चल रहा है, जो यहीं से एक तो ये क्लियर कर दिया कि ये डी जो बनेगा वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बने प्रोडक्ट से अलग है, इसका मतलब C4H9Br नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ये प्राइमरी है लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, ये पहला पॉइंट से क्लियर हो गया। तो अब क्या हो सकता है, तो C4H9Br का हम लोग आइसोमर्स बनाए थे, वो सारे आइसोमर्स को एक बार फिर से रिकॉल करो, एक बना था 1-bromobutane, दूसरा बना था 2-bromobutane, यहां बी आर डाल दिए थे, फिर एक बना था 1-2-3 और एक यहां ब्रांच डाल दिए थे ब्रोमोब्यूटेन, एक और बन सकता है 1-2-3-4 और यहां ये बी आर, ये फोर आइसोमर्स बने थे। यहां ये देखो प्राइमरी नेचर का है, ये सेकेंडरी नेचर का है, ये प्राइमरी नेचर का है और ये टर्शियरी नेचर का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है C4H9BrA प्राइमरी नेचर का है, तो या तो ये C4H9Br ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंडरी और टर्शियरी नेचर का हो गया। यहां तक क्लियर, अब इससे मिलाओ
ये कह रहा है कि ये अल्केन बना है वो उससे अलग है जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसका मतलब ये कि C4H9 ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी नहीं है। तो सिर्फ क्या बचा हुआ रह गया, ये 1-bromo-2-methylpropane। अब जैसे ही ये पता चला, अब बाकी का प्रोडक्ट बनाना आसान है। यहीं तक पहुंचने में आपका जो 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट जो टाइम लगा, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया है या नहीं बनाया। और जब वो पता चल गया तो बाकी बन जाएगा। अब देखो यहां एक ही जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2, और ये BR। देखो ये C4H9 BR भी है और प्राइमरी नेचर का भी है। अब बाकी के रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब जब इनका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहां से BR और यहां से H हटा, यानी यहां ये कंपाउंड बन गया CH3 डबल बॉन्ड और ये CH2 अल्कीन। अब फिर जब इनका रिएक्शन HBr से कराएंगे, इनका रिएक्शन HBr से कराते हैं तो परऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब मार्कोनिक ऑफ हो। तो देखो मार्कोनिक ऑफ में कहां जुड़ेगा BR, जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो C पर कम हाइड्रोजन है CH2 के रिस्पेक्ट में, तो यहां C पर डाल, ये कंपाउंड आ गया CH3 CH3 CH3, और यहां ये BR। अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हो गया। ये A है, ये हो गया कंपाउंड B और ये हुआ कंपाउंड C। अब एक D बचा हुआ है, इन्हीं का रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो इनका बताया था आपको ऊर्जा रिएक्शन में कि जहां हैलोजन है उस जगह पर आप मिरर इमेजिंग करो, तो जब मिरर इमेजिंग करेंगे तो उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर आप मिरर इमेजिंग करो तो प्रोडक्ट किसी का, ठीक इधर का ये पार्ट आ गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3, और ये CH3, ये हुआ कंपाउंड B। अब क्वेश्चन को अगर बढ़ाना है तो ये भी कह सकता है कि इनका आयु पैक नहीं लिखिए, तो वो पार्ट भी बताया हुआ है। यहां सिर्फ A और केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कह रहा था। ये भी कह सकता है क्वेश्चन में कि A B C D का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए। तो देखो A पता हो गया, B C और D, तो आपको चाहिए क्या, ये सब करने के बाद में यहां A लिखोगे अगर कहेगा तब, यहां A लिखे और इसके बगल में इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिख देंगे CH3 CH2, और ये भी ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह से B का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर C का लिखेंगे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहां इस चैप्टर में सिर्फ ये एक था, आगे वाले चैप्टर्स में कुछ और भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ एक कन्वर्सन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अधिकांश स्टूडेंट से पूछोगे तो ऑर्गेनिक में बोलेगा कि कन्वर्सन नहीं बनता है, कन्वर्सन ही हमको पूछना है। हम बताते हैं कि कन्वर्सन कोई एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्सन में इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है और इस पर कमांड आपको प्रैक्टिस करने पर होगा। यानी कन्वर्सन पर आप लास्ट में जाओ, सबसे पहले व्हाट हैपेंड, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करो। उसके सोल्व करने के बाद में दिमाग में जब कंसेप्ट डेवलप करेगा तब कन्वर्सन बनेगा। कन्वर्सन मोर देन वन स्टेप में जाकर के भी कंप्लीट होता है। आप भी एक जगह से एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक पहुंचे और आपका फ्रेंड भी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक पहुंचता है, दोनों का रास्ता अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम ये कह दें कि समुना मोड़ से स्टार्ट करना है और आपको डाक बंगला पहुंचना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया रिएक्टेंट समुना मोड़, और पहुंचना है आपको डाक बंगला, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब यहां से वहां जाने में अब अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग रास्ता भी ऑप्ट कर सकता है। किसी को लगे कि नहीं बेली रोड में ज्यादा जाम मिलेगा तो वो आपका दीघा का रास्ता भी पकड़ के जा सकता है, कोई फुलवारी से होकर के जा सकता है, कोई किसी और शॉर्टकट रास्ते को कोशिश करेगा कि जहां ट्रैफिक कम हो, तो ये डिफर करेगा लेकिन वहां वो पहुंचेगा। तो ये कौन कितने रास्ते को सिलेक्ट कर सकता है, किस किस रास्ते से जा सकता है,
ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पटना घूमा कितना है। जो जितना ज्यादा पटना को जानता है उसके पास में उतना ही ज्यादा ऑप्शन होगा डाक बंगला पहुंचने का। अब कोई नया नया आया है यानी कि बगैर प्रैक्टिस का, तब तो उसको सिर्फ और सिर्फ बेली रोड ही दिखाई देगा, यानी कि बेली रोड ही एक रास्ता दिखेगा कि जहां से उस पर पहुंचा जा सकता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ इथेनॉल को कन्वर्ट किया गया है ब्यूट 19 में, यानी इथेनॉल हो गया C2H5OH, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये इथेनॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पहुंचना है इस जगह तक, यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ब्यूट 19। तो दो काम एक साथ में होगा, एक तो इस OH ग्रुप को हटाना है और दूसरा इस OH को हटाकर ये अल्काइन का पार्ट इसमें ऐड करना है। हम पहले स्टेटमेंट ये आपका पाथ बताते हैं कि किस तरीके से करो। CH3 CH2 OH का रिएक्शन आप करा दो थायोनील क्लोराइड के साथ, रिएक्शन दिमाग में आ रहा हो, मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा, इस OH को हटाकर इसकी जगह पर CH हो जाएगा, यानी यहां बन गया CH3 CH2 और CH। अब चूंकि क्लोरोअल्केन का प्रॉपर्टीज याद हो, एक जगह के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब MR- से कराते हैं, देखना न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट में, तो यहां से X और यहां से M हटेगा और ये कंबाइंड कर RR- का फॉर्मेशन करते हैं। अब उस वक्त में बताया था कि R कुछ भी हो सकता है, जितना कार्बन एटम डालना है वो इसके साथ में डालो। तो यहां अब इस कंपाउंड के साथ में क्या करो, अब अगले स्टेप में NaC ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो देखो यहां से Na और यहां से क्या हटेगा, Cl। अब बाकी के इस पार्ट को यहां जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये सिर्फ रिएक्शन यही नहीं सीखे, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर ब्यूट 19 की जगह पर हमको पेंट 19 ही बनाना हो, यानी कि तीन कार्बन एटम ऐड करना हो, तो सोडियम के साथ में इसी में एक कार्बन एटम और ऐड कर दें। तो यानी कि जिस तरह से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना हो तो वो वाला ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, यानी कि ब्यूट 19। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, लेकिन इस फर्स्ट क्वेश्चन में ही कुछ अलग कंसेप्ट का जरूरत पड़ा और इसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि 19 में कैसे कन्वर्ट करें। और पहले भी हमने न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट में बताए थे कि जो भी ऐड करना है जितना कार्बन एटम वो इसकी जगह पर डाल दो, ये R- की जगह पर हो गया, ये कंबाइन। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में। फर्स्ट स्टेप में एक ही स्टेप में बनने वाला है हैलोजिनेशन रिएक्शन, याद करो। When chlorine or bromine is treated with halogen in the presence of sunlight or UV light, free radical halogenation reaction take place. तो यहाँ इथेन था, एक हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन ऐड करना था, इसलिए Br2 के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ यह फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH2 Br1। आप इसकी जगह पे C2H6 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा C2H5Br। यहाँ प्रोपीन को कन्वर्ट करना है 1-nitropropane में, प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसे कन्वर्ट करना है 1-nitropropane में, CH3 CH2 CH2 और यहां NO2। अब जो रिएक्शन पढ़े हो उसको ध्यान रख, NO2 कैसे ऐड होगा इसके लिए हम लोग पढ़े। अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते हैं तो NO2 ऐड होगा, और KNO2 के साथ कराते हैं तो ONO बनेगा। तो हमें NO2 ऐड करना है, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड में AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन आना है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो मार्गोनिकोफ के अनुसार से CH पर चला जाएगा, लेकिन आपको अगर हाइड्रोजन 1 पर ले आना है, CH2 पर ले आना है, तो एंटी मार्गोनिकोफ अलाउ करना पड़ेगा, और एंटी मार्गोनिकोफ के लिए हम लोग HBr यूज करते हैं, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा ये कंसेप्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
इनका रिएक्शन कराओ पहले HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार से Br यहां और हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो यहां गया CH3 CH2 यहां CH2 Br। और अब इसका रिएक्शन करा दीजिए आप AgNO2 के साथ, तो यहां फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH2 CH2 और ये NO2 1 नाइट्रो प्रोपेन। फोर्थ क्वेश्चन में टॉलिन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, अल्काइलिक एलाइलिक एराइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक क्या था, यहां फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ है वो sp3 उसके बाद sp2 और बेंजीन रिंग, तो उसे बेंजाइलिक कहा जाता है। और ये चूंकि अल्कोहल हो गया इसीलिए इसे बेंजाइल अल्कोहल कहा गया, कॉमन नेम दिया हुआ है इसका। अगर IUPAC करेंगे तो ये ओपेंजीन यानी कि मिथेनॉल हो गया पेरेंट है, तो 1-फिनाइल मिथेनॉल यानी कि फिनाइल मिथेनॉल कहा जा सकता है इसको। अब इसे कन्वर्ट करना है इसमें, यानी कि CH3 से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH ऐड करना है। जैसे जैसे आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आपके पास में ऑप्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे जो हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग तो हाइड्रोजन पढ़े हैं, तो अगर इसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन रहे तो उस Cl को हटाकर OH ऐड किया जा सकता है NaOH या KOH के साथ में, क्योंकि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन ऐड करना है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में, तो वहां पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा। और अगर बेंजीन रिंग में ऐड करना होता तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। याद करो एक जगह पे टेबल में ही बताया था टॉलिन लेकर के कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ओपन चेन में जुड़ेगा, और Fe-FeCl3 डार्क में कराएंगे तो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में बनेगा, वहां जुड़ेगा ऑर्थो और पारा पर। तो हमें ऊपर में ऐड करना है, यानी रिएक्शन कुछ इस तरीके से समझो आप, यहां ये टॉलिन हो गया CH3, इनका रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अब देखो इससे इसके बारे में सोचो कि इस Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH ऐड करना है, तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लो या फिर KOH का एक्वस सॉल्यूशन लो। तो यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH ऐड करेंगे, ये हो गया CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। यहां प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपाइन, यानी कि डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग इलिमिनेशन पढ़े, इलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हैलोजन है और उसका अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हैलोजन निकल करता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन, और जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट कर जाता है। उसी तरह से अगर यहां पर हैलोजन रहता एक कहीं पर तो फिर उस जगह पर वो हम लोग इलिमिनेट करते, तो ये भी दो स्टेप में बनेगा। देखो पहले क्या करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इनका रिएक्शन करा दो ब्रोमीन से, एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो यहां भी ब्रोमीन आएगा यहां भी ब्रोमीन। रिएक्शन याद कीजिए, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन विसिनल डायहैलाइड इज फॉर्म, जेम डायहैलाइड और विसिनल डायहैलाइड ये पार्ट बताए थे, आप नोट्स पलट करके देखोगे या फिर समराइज पार्ट रखोगे। जैसे ये वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके सामने में वो सीट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लेकर के बैठे और फिर जैसे ही बोले कि अल्कीन का हैलोजन से कराते हैं तो विसिनल डायहैलाइड होता है, तो विसिनल का मतलब क्या हुआ, दोनों जगह पर हैलोजन जुड़ेगा या बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब यहां ये देखो CH3CH Br CH2 और ये Br डाइब्रोमो प्रोपेन हो गया। अब अगर इनका रिएक्शन कराते हैं हम लोग अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से KOH अल्कोहलिक, तो ये Br घटेगा तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा डबल बॉन्ड, ये Br निकलेगा तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर ट्रिपल बॉन्ड। फिर से समझो, ये Br जब निकलेगा तो ये अल्फा हो गया इसके लिए, तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा,
उसी तरह से जब ये पीआर यहां से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो देखो यहां CH2 की जगह पर क्या हो गया CH, और यहां CH की जगह पर C हो जाएगा, यानी ये कंपाउंड बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH यानी कि ब्रोमाइन। तो नोट कर लीजिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 में इथेनॉल को कन्वर्ट किया गया इथाइल फ्लोराइड में, तो हम लोग पढ़े हैं क्लोरो और ब्रोमो के लिए, आयडो और फ्लोरो के लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड था। आयडो तो हम लोग अल्कोहल से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन कहीं पर डिस्कस नहीं किए थे, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लोरो या ब्रोमो बनाकर हैलोजन एक्सचेंज मेथड अप्लाई कर देंगे, यानी दो स्टेप में बनेगा ये। देखो रिएक्शन ध्यान से, C2H5OH है, अब इनका रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 के साथ, तो ये बन जाएगा C2H5Cl। अब इस क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन ऐड करना है, तो कोई भी मेटल फ्लोराइड AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, ये क्लोरीन को हटाकर इसकी जगह पर फ्लोरीन हो जाएगा। अब बताया आपको कि वैरी करता है, आप ही का कोई फ्रेंड कुछ अलग भी लिखेगा उसका भी सही माना जाएगा। जैसे C2H5OH HBr लिखते हैं, तो यहां C2H5Br हो, तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को मेटल फ्लोराइड अलग करता है, AgF की जगह पर वो Hg2F2 ले सकता है, तो दोनों कंडीशन में वो सही माना जाएगा। तो इसीलिए कन्वर्सन में डिफर करता है, लेकिन कितना आप पढ़े हैं कितना याद है उस पर डिपेंड करता है कि कितना आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले पर आते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहां नहीं पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें कई वो कंसेप्ट है जो आगे हम लोग जाकर के पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड की वजह से दे दिया गया, जैसे ये प्रोपेनोन कीटोन है, तो इस क्वेश्चन में उलझना नहीं। हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहां इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, और तब तक ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना मान करके चलो कि CH3Br का रिएक्शन अगर हम लोग KCN के साथ में करा देते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि CH3Cl, और इस नाइट्राइल ग्रुप का साइनाइड ग्रुप का अगर हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये कीटोन में कन्वर्ट कर जाता है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ये मत पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया, पहले ही बता दो, ये मत पूछना हम ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद में क्लियर होगा। जब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तब वहां पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर के क्लियर होगा। तब तक दो ही ऑप्शन था, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते, या तो फिर अभी जो दूसरा बता रहे हैं कि सिर्फ इसको आप नोट करके रखो, पॉइंट मार्क करके रखो कि इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ है, आगे हम लोग को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ब्यूट वनिन को कन्वर्ट करना है ब्यूट टूइन में, यानी कि डबल बॉन्ड को वन से यहां शिफ्ट करना है, तो इस जगह पर शिफ्ट करने के लिए यहां हैलोजन का होना जरूरी है, तो यहां हैलोजन डालोगे तो देखो तो मार्कोनिक ऑफ अप्लाई करना है या एंटी मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनिक ऑफ के अनुसार से CH पर जुड़ेगा और एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार से CH2 पर, तो दो स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, CH3 CH टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कुछ भी ले सकते हो एच सी एल या एच बी आर, कोई भी लो, मार्कोनिक ऑफ अप्लाई करना है, एच सी एल कर दिए तो क्लोरीन यहां आ जाएगा, तो ये बन गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल और ये सी एच थ्री। अब इसके बाद इनका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करा, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो चूंकि ये अल्फा है तो ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया, तो जैक्सन रूल याद कीजिए कि वो अल्किल मेजर प्रोडक्ट होगा जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, ये कंपाउंड बन गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री, ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर गया। दो स्टेप ये बनना था, यानी कि वन से शिफ्ट करना था सेकेंड पर, तो ये इस तरीके से हो गया, वैसे ही कुछ और जगह पर भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, वन क्लोरोब्यूटेन को नॉर्मल ऑक्टेन में एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन, उड्ज रिएक्शन, वन क्लोरोब्यूटेन, यानी देखो ये कंपाउंड हो गया,
CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CL। वन क्लोरोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन है, इनका उर्ज रिएक्शन, इनके टू मोल का रिएक्शन सोडियम के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका जस्ट डबल बन जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये फिटिंग रिएक्शन, लेकिन एक स्टेप बढ़ना है, हेलोइन का कराया जाता है, तो बेंजीन को हेलोइन में कन्वर्ट कर दो, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे कि बेंजीन का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहां ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल, और इस रिएक्शन का नाम था फिटिंग रिएक्शन। तो जब ये कन्वर्सन स्टार्ट किए थे उस वक्त में थोड़ा लग रहा आपको कि ये ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन जैसे ही यहां तक हम लोग पहुंचे तो अब आपके लिए थोड़ा थोड़ा आसान होना शुरू हो गया होगा, यानी अब आपको लग रहा होगा कि हाँ किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये 10.11 के क्वेश्चन में हम सारा डिटेल से सब कुछ बता। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.19 पर, यह भी कन्वर्सन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इस जगह पर थोड़ा सा बताने का पैटर्न चेंज करते हैं। पैटर्न चेंज ये करते हैं कि अब हम आपको हिंट्स देंगे, सारा डिटेल से रिएक्शन आपका लिखा हुआ है और उस हिंट्स को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आसान है, एक्सप्लेन करेंगे, आपको उसको कन्वर्ट करना है ताकि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, सिर्फ आंसर नहीं कॉपी कर पाए, इस वजह से अप्लाई करना पड़ रहा है। तो 10.19 के फर्स्ट क्वेश्चन में है, प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 मोल में, तो प्रोपीन यहां ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और 1 मोल, यानी कि फर्स्ट पर OH ग्रुप डालना है। तो सबसे पहला काम आप करोगे कि इसका रिएक्शन करा दो HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रहेगा, यानी कि CH2 की जगह पर Br रहेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको यहां लिखोगे आप, और फिर इनका रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, तो Br को हटाकर उसकी जगह पर OH हो जाएगा। अब देखो सारा स्टेटमेंट हम बोल दिए, सिर्फ इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि आप ये वीडियो देखते वक्त में कॉपी सामने में रखिए, रफ कॉपी आप सामने में रखिए और उस इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए, यानी कि देख रहे हैं जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पॉज कर दिए वीडियो को, अब पॉज करने के बाद वो रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, फिर सेकंड का एक्सप्लेनेशन दे रहे उसको आप लिखोगे, फिर आगे बढ़ोगे आप, फर्स्ट के बाद में फिर सेकंड, इथेनॉल टू ब्यूट 1 वाइन, ये ऑलरेडी कर चुके इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इथेनॉल को ब्यूट 1 वाइन, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी क्वेश्चन थर्ड में 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3 CH2 CH2 और ये Br, 1 ब्रोमो है, यहां से ब्रोमीन हटाकर इस जगह पर डाल रहे हैं। और स्टेप क्या यूज करो, सबसे पहले अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करो, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी कि यहां से Br हटेगा और यहां से H, यानी कि अब ये अल्किल बन गया, अब Br को यहां डालना है, यानी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं मार्कोनिक ऑफ फ्यूल अप्लाई करना है, यानी कि सिंपल HBr के साथ रिएक्शन करा, तो पहले यहां बन गया प्रोटीन और प्रोटीन में यहां पे Br जुड़ेगा और इस जगह पर हाइड्रोजन, इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4, टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फिर है बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यहां ये बेंजीन हो गया, सबसे पहले इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा, Fe और FeCl3 डार्क रिएक्शन कराएंगे, ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा इसके साथ, ब्रोमिनेशन हो गया, अब इसका नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन के लिए याद कीजिए हम लोग पढ़े थे नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ऑर्थो और पारा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पारा। तो इस जगह पर पारा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा, यानी कि जहां हमको लगा कि आप अटक सकते हैं, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, वो हम सारा इक्वेशन ही कंप्लीट करा दिए। ये हो गया। इसके बाद था बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसको भी छोड़ दो। अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अभी हम लोग इसके बाद वाले अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। एक लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, यह अल्कोहल जो बना है उसका आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो अभी वो समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़े हम लोग। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। इथेनॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है। तो इथेनॉल ये हो गया CH3CH2OH, इसका रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, OH को हटाकर Cl जुड़ जाएगा, और इनका रिएक्शन करा दो KCN के साथ, तो Cl की जगह पर CN हो जाएगा, तो कार्बन एटम का नंबर इसकी वजह से एक बढ़ गया, तो इसी को हम लोग इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइड कहते हैं। यहां ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 क्वेश्चन ये था, 6 छोड़े थे हम लोग। 8 एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, क्वेश्चन नंबर 8 एनिलीन, ये तो प्रिपरेशन ही था, सैंडमेयर रिएक्शन याद है NH2, और इसको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, तो एनिलीन का नाइट्रस एसिड से कराएंगे, हम रिएक्शन ही लिखेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन है, एनिलीन का नाइट्रस एसिड से कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब इसका Cu2Cl2 से करा दो रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इतना ही क्वेश्चन 8 तक का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। 2-chlorobutane टू 3-4-dimethylhexane, 9th में 2-chlorobutane यानी CH3, CH2, CH, Cl और CH3, इसका कराना है सिर्फ उर्ज रिएक्शन करा दो, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो यहां इसका 2 मोल हो जाएगा। जहां Cl है उसकी जगह पर आप मिरर इमेजिन करना, जो कंपाउंड बनेगा उसका आयन बैक नेम लिखोगे वही कंपाउंड बनेगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है, बना के आ जाता है। 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, 2-methyl-1-propene, 2-methyl-1-propene यानी आ गया 2-methyl-1-propene, इसे कन्वर्ट करना है 2-chloro-2-methyl-propene, यानी इस जगह पर Cl डालना है, तब तो आसान है, अनसिमेट्रिकल है, तो सिर्फ इनका रिएक्शन आप HCl के साथ करा दो, तो जैसे ही HCl के साथ कराएंगे तो निगेटिव पार्ट Cl है, तो कार्बन पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और यहां हाइड्रोजन, तो 2-chloro-2-methyl-propene बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। 11 फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड है, उसको छोड़ दीजिए, वो अभी नहीं एक्सप्लेनेशन पर पढ़े हैं हम लोग, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। 12 Bute 1 to normal butyl iodide, Bute 1 यानी क्वेश्चन नंबर 12, तो Bute 1 ये हो गया CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड और CH2। अब इसमें 1 पर आयोडीन डालना है, लेकिन 1 पर डालने के लिए आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ चाहिए, और एंटी मार्कोनिक ऑफ सिर्फ HBr के केस में होता है, तो दो स्टेप में बना, पहले HBr के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ब्रोमीन आ जाएगा यहां पर। अब इस ब्रोमीन जो प्रोडक्ट बनेगा इसका हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि इनका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, प्रोडक्ट बन जाएगा 1-iodobutane, इसको कंप्लीट कीजिएगा। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, 2-chloropropane to 1-propanol, 2-chloropropane CH3 CH Cl और यहां CH3, 1-propanol यानी कि यहां डालना है, तो इस जगह पर डालना है, तो पहले इस हैलोजन को हटा, तो KOH अल्कोहलिक, तो यहां से Cl और यहां से H, ये बन गया CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इस जगह पर ब्रोमीन डाल, आगे हम लोग अल्कोहल में पढ़ेंगे तो एक और डायरेक्ट मेथड है, उस जगह पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन,
तो वहां से वो डायरेक्ट वन पर आ जाता है। लेकिन अभी नहीं पढ़े तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में। तो एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ये डालो, ब्रोमीन यहां आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का NaOH या KOH एक्वस सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो Br को हटाकर उसकी जगह पर OH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ। 12 के बाद में 2-chloropropane, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 था 12 के बाद में। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म CH3 को कहा जाता है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर नेम रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आगे पढ़ोगे, आगे हम लोग अल्कोहल में भी डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड में भी आएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत कॉमन है, लेकिन अभी चूंकि नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए रटना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को भी छोड़ दो आप। अब आते हैं लोग क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन, यहां एक क्लोरोबेंजीन हो गया, पारानाइट्रोफिनॉल यानी कि यहां से OH हटाना है, तो सबसे पहले इनका नाइट्रेशन कराना। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑर्थो और पारा मेजर प्रोडक्ट पारा बनता है, तो यहां Cl और इस जगह पर ये NO2 ग्रुप ऐड होगा। अब इसके बाद में इस Cl को हटाकर OH जोड़ना है, तो NaOH याद करो हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो गया पारा नाइट्रोफिनॉल। बेंजीन के साथ में अगर OH लगाओ तो उसको फिनॉल कहा जाता है। नेमिंग इसके बाद वाले चैप्टर में। ये था क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन 15 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 2-bromopropane to 1-bromopropane। क्वेश्चन नंबर 16 में 2-bromopropane CH Br और CH3। अब इसको यहां से हटाकर यहां, तो दो स्टेप में हटाने के लिए तो हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, तो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब जो कंपाउंड बनेगा उसका रिएक्शन करा दो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो वन पर ही लग जाएगा, ये बन गया। 16 के बाद में 17 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन उर्ज रिएक्शन, बेंजीन टू बाइफिनाइल ये भी हम बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि फिटिंग रिएक्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 Br और ये CH3। अब इसे कन्वर्ट करना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो पहले इसका इलिमिनेशन रिएक्शन करो, KOH अल्कोहलिक, तो यहां से Br और सपोज यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, तो हो गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड और CH2। अब इसका रिएक्शन आप करा दो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सोचो तो कहां लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूट तो CH2 पर, तो ये कंपाउंड बन गया CH3 CH3, यहां हाइड्रोजन, ये CH2 और ये Br, आइसोब्यूटाइल हो गई, 1, 2, 3, 4 आइसोब्यूटाइल। तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ। 20 को भी छोड़ोगे आइसोसाइनाइड एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये तो बनाया जा सकता है, एनिलीन नहीं, इसमें भी क्लोरोबेंजीन आ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं करेगा। यानी कि आपको छोड़ने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20। इसके अलावा बाकी सारा क्वेश्चन जो वो सोल्व कर लिए हैं इस वाले में। तो जैसे हम लोग ये 10.11 सोल्व किए थे, इसको भी आप उसी तरीके से लिखोगे, सिस्टमेटिक तरीके से। पहले जैसे कि यहां लिखना था क्लोरोबेंजीन टू फिनाइल नाइट्रोफिनॉल पारानाइट्रोफिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन लिखे नाइट्रोफिनॉल लिखे उसके बाद इक्वेशन लिख लेगा, तो कोशिश ये करना है आपको, इसको पूरा कंप्लीट
अब आज फाइनली हम लोग का ये हेलोल्क एंड हेलोलिन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए कि आप बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बिलो एवरेज कहने का मतलब उस स्टूडेंट को कहा जाता है जो मेहनत करने के लिए तैयार है लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा अगर उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ किसी भी वजह से तो उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। और ये आप रियलाइज कर रहे हैं, आप में से कुछ एक स्टूडेंट फोन करते हैं किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए तो उनसे भी हम बात करते हैं कि हाँ किस तरीके का क्या है, फीडबैक लेते हैं, कोशिश करते हैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का और उसके अनुसार से बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि समझ में आए। लेकिन पहले ही बताए थे कि समझना या नहीं समझना सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं होता है, अगर आप इसको मूवी के जैसा देखोगे तब तो ये बोरिंग हो जाएगा, तब ये समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपको इसके साथ लगना होगा और अगर आप ईमानदारी से एक घंटा सवा घंटा टाइम आप दे रहे होंगे, हमें नहीं लगता है कि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। आपके पास बुक है, आपके पास साइड बुक है, आप मोबाइल यूज करते हैं, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास में गूगल अवेलेबल है, वहां पर आप डाल सकते हैं। आपके पास में सारे साइड बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब कुछ एक क्वेश्चन जैसे हम ये अलग से नहीं लिख पाए कि अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड में इलिमिनेशन यानी कि अल्कीन बनता है और एक्वस KOH में अल्कोहल बनता है, लेकिन आप याद करो तो इसके आंसर के बारे में डिस्कस किए हैं या नहीं किए। डिस्कस किए हैं कि एक्वस KOH में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH- का फॉर्मेशन होता है और इस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के बनने की वजह से ही वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जबकि अगर अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वहां पर इनके आयनाइजेशन न होने की वजह से इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, अल्कोक्साइड बनता है सॉरी, और ये अल्कोक्साइड की वजह से इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो लिखवाए नहीं अलग से लेकिन क्वेश्चन तो डिस्कस किए, ये अगर आप सुने होंगे और जैसे ही कहीं पर आप इसका आंसर भी देखोगे तो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये कैसे। कुछ एक क्वेश्चन जानबूझ करके एक आध क्वेश्चन जो है वो छोड़ते हैं कि आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहिए, तो उसको आप कीजिए। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई क्वेश्चन क्रिएट करो अपने फ्रेंड के लिए और आपका फ्रेंड क्वेश्चन बनाए आपके लिए और दोनों एक दूसरे को शेयर करो। जैसे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपके दिमाग में आया इस तरीके से ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपने लिखा CH3 CH2 और HCl। आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके दिमाग में है कि अगर इसका रिएक्शन हम KCl के साथ करा देते हैं तो ये साइनाइड बन जाएगा, यहाँ A हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग रिएक्शन में लिख दिए कि अगर इनका रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई वाटर तो आप बना रहे तो पता चल रहा है कि इसमें ऊर्जा रिएक्शन होगा, तो यहाँ ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH3, ये डी हो गया। तो मे बी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इस तरीके से बना करके आप अपने फ्रेंड को सेंड किए कि आप आइडेंटिफाई करो कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, इस तरीके से दो तीन क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों को फायदा होगा। आपके स्टूडेंट आपके फ्रेंड के पास में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और आप जब वो क्वेश्चन अपने फ्रेंड के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसका रिविजन हो रहा है। तो इसको थोड़ा अप्लाई करके देखिएगा। ऑफलाइन क्लासेस में भी हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते थे और बाद में जब बात करते थे जो स्कोरर यानी कि जो 90% से अबव मार्क्स वगैरह लाते थे तो आकर के बता देते कि सर जो आप बताते थे टेक्निक वगैरह उसको हम लोग अप्लाई करते थे और उसका बेनिफिट मिलता था। तो हम चाहेंगे कि आप अप्लाई कीजिए, आप व्हाट्सएप करते हैं एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, 10 मिनट का आप टाइम निकालिए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आप फ्रेंड को दे दिए, 2-3 क्वेश्चन वो आपको सेंड कर दिया। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो चूंकि आपका फ्रेंड क्वेश्चन दिया है तो उसको तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा तो वो आपके साथ में शेयर करेगा तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो अब इस चैप्टर में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनोल और ईथर स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा रीडिंग आप डाल करके रखिएगा। आज यहीं तक।